अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स करके कहा था कि हमारे पास प्राइस काउंटिंग स्केल है, लेकिन उसके ऊपर जब हम यूनिट प्राइस 999 से ज़्यादा लिखते हैं, यानी 3 डेसिमल से जब हम ज़्यादा लिखते हैं तो वो हमारे पास नहीं लिखी जाती। जैसे कई हमारे पास प्राइस ऐसी भी हैं कई चीज़ों की जिनकी प्राइस 1000 रुपये पर के जी है, कईयों की 10000 रुपये तक भी होती है, तो वो यहाँ पर यूनिट प्राइस 3 डेसिमल से ज़्यादा नहीं लिखी जाती। तो इसका तरीका हमें बताएं। तो इस वीडियो में आप लोगों को इस यूनिट प्राइस के ऊपर कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि आप किस तरीके से 1 डेसिमल कर सकते हैं, किस तरीके से 2 डेसिमल, और किस तरीके से आप 10000 रुपये भी यहां पर लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने जो भी कमेंट्स यानी कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप डायरेक्ट हमें यूट्यूब के ऊपर ही कमेंट्स करके हमारे से पूछा करें, क्योंकि कई लोग हमें व्हाट्सअप के ऊपर भी पूछते रहते हैं, क्योंकि व्हाट्सअप के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं तो मैं आप लोगों का रिप्लाई नहीं दे सकता, तो कई लोग मेरे से नाराज़ होते हैं। तो इसलिए मैं उन सबसे कहूँगा कि आपने जो भी पूछना होता है आप मुझे डायरेक्ट यूट्यूब के ऊपर ही कमेंट्स करके पूछा करें, क्योंकि मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता हूँ और अपने मसरूफ़ टाइम के अंदर ही मैं आप लोगों को ये वीडियो बना के आप लोगों की हेल्प करता हूँ। तो अगर मैं इसका रिप्लाई थोड़ी देर से भी दूँ तो प्लीज़ आप लोग नाराज़ ना हुआ करें। तो उसके अलावा मैं उन लोगों को ये कहता चलूँ जो हमारे चैनल में अभी तक न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फ़ौरन क्लिक करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ौरन मिल सके। तो चलें दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हम जो प्राइस लिख रहे हैं वो 999 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। अब अगर हमने फ़र्ज़ करें कि कोई हमारी प्राइस ऐसी है जिसकी वैल्यू 10000 रुपये है, तो वो हम इसमें किस तरीके से लिख सकते हैं। तो उसके लिए एक कोड मैं आपको बताऊं कि इसका कोड है 978, उसके बाद आप टियर का बटन दबाएंगे, उसके बाद आप सिंपल 5 का बटन दबा के फिर टियर का बटन दबाएंगे। तो आप ये देखेंगे कि ये जो इस टाइम प्राइस आ गई है वो बिल्कुल 1 डेसिमल ये तक आ गई है। अब इसमें आप अगर 10000 भी लिखेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके ऊपर 10000 में जो भी आप वैल्यू डालेंगे तो ये उसको बताएगा, ठीक हो गया। इसके बाद अगर आपने डेसिमल को और चेंज करना है तो आप इसका फिर पासवर्ड डालेंगे 978, उसके बाद टियर, उसके बाद आप 15 लिखेंगे, फिर टियर का बटन दबाएंगे तो ये 2 डेसिमल में हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने 3 डेसिमल करने हैं तो 978 टियर और 25 का बटन दबा के फिर आपने 25 करनी है तो ये 3 डेसिमल आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपने 4 डेसिमल करने हैं तो फिर 978 टेयर और 35 दबा के फिर टेयर का दबाएंगे तो ये 4 डेसिमल में आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम दोबारा 2 डेसिमल में कर लेते हैं, 978 टेयर और 25 लिखेंगे तो ये आप देखेंगे दोबारा ये 2 डेसिमल में आ गया है। तो इस तरीके से आप डेसिमल यूनिट प्राइस का डेसिमल चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार इस वीडियो को लाइक करके दीजिए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा कोई भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आपको समझ ना लग रही हो तो आप कमेंट्स करके हमारे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी फ्रेंड, अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और विंग स्केल की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या अगर आप लोग विंग स्केल की प्रोडक्ट सबसे बेस्ट प्राइस में परचेज करना चाहते हैं, या अगर आप लोग विंग स्केल का बिजनेस करते हैं और विंग स्केल की कैलिब्रेशन और उनकी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, या अगर आप विंग स्केल इम्पोर्टर या मैन्युफैक्चरर हो और विंग स्केल की पब्लिसिटी करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन के ऊपर फौरन क्लिक करें, ताकि विंग स्केल की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके आपको सबसे पहले। उसके अलावा अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हासिल हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें भी पता लगे कि आप लोगों को उससे फायदा भी हो रहा है या नहीं।